सत श्री अकाल जी, नमस्ते, आदाब, क्या हाल है आप सबका। आज मेरे साथ है, ये है विवेक और पीछे है सागर भार्गव, पॉपी बोलते हैं जिसे, सागर पॉपी, पॉपी बॉय। और आज है 27 नवंबर, आज है काफी अच्छा दिन, मतलब जो सिखिज्म है, हमारी रिलीजन है सिख धर्म, उसका सबसे बड़ा दिन है आज, है गुरुपूरब। जो हमारे फर्स्ट गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी, उनका जन्म हुआ था, आपको पता है ये। हाँ। तो आज उनका बर्थडे कह सकते हैं। और आज मैं जा रहा हूँ भोपाल नेशनल्स के लिए, दिक्कत वही होगी, नहीं तो मैं हर गुरुपूरब गुरुद्वारा जाता हूँ यहाँ बंगला साहिब, तो आज जा नहीं पाया। एक घंटा वहाँ से आना जाने का लगता है हॉस्टल से, फिर एक घंटा आने का लगता है, फिर आधा पौना घंटा वहाँ पे भी जरूर लगेगा, तो इसलिए आज मैं जा नहीं सका। ये फ्लाइट पकड़नी थी और फ्लाइट 3-4 घंटे पहले वहाँ पे पहुँचना भी होता है। देखूँगा भोपाल पहुँच के वहाँ पे कोई गुरुद्वारा होगा तो वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा मैं। और अभी पहुँच गए हम जी के, ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट, गाड़ी वापस लेके आ जाएंगे हॉस्टल में खड़ी। कईयों को होता है कि एयरप्लेन में वेपन्स कैसे अलाउड हैं, तो आज मैं आपको सारा वो प्रोसीजर दिखा सकता हूँ कि कैसे हम वेपन्स ले जाते हैं फ्लाइट में। उसका एक मतलब परमिट होता है, परमिट मिलता है जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है वहाँ से मिलता है परमिट, बनवाना पड़ता है कि मैं ये वेपन लेके जा रहा हूँ, इतनी से इतनी तारीख तक मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो हमें परमिट बना के देते हैं, वेपन कैरी लेटर बोलते हैं जिसे, तो उससे हमें अलाउ किया जाता है ट्रैवल करना विद वेपन्स। अगर आप .22 शूटर हो, वो आप एक एयर वेपन और एक .22 पिस्टल और 50 राउंड्स ऑफ मतलब जो एमिनिशन होता है हमारा कार्ट्रिजेस, वो ले जा सकते हैं विदाउट DGCA। अगर आपने उससे ज़्यादा लेके जाना है, जैसे 3 वेपन या 50 से ज़्यादा आपने गोलियां लेके जानी है, तो आपको एक और परमिट चाहिए होता है, DGCA बोलते हैं इसे, DGCA परमिट। वो आप वेबसाइट लॉगिन करके वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अपना, और वो शायद 2-3 दिन तक बन के आपको मेल आ जाती है आई थिंक। पर मैं वो .22 एमिनिशन और जो मेरा एक एक्स्ट्रा वेपन है वो मैंने किसी को दे दिया है, वो जो बाय रोड जा रहे थे उनको दे दिया है, तो इसलिए मेरे पास अभी एयर वेपन है और एक .22 पिस्टल है, तो मुझे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, बस मेरे NRI का परमिट ही चाहिए होगा अकेला। फिर बाकी आपको साथ में उसके चाहिए होते एक शूटर ID की फ़ोटोकॉपी, एक चाहिए होता है आर्म्स लाइसेंस जिस पे आपके वेपन्स चढ़े होते हैं, जिस पे वो सीरियल नंबर नोट होता है वो, और बस जो डॉक्यूमेंट आपको मैंने ये बताए ये चाहिए होते हैं, ये बस ये इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनकी, तो आपको वो अलाउ करते हैं जाना, आपका वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो जाता है, वेपन्स चेक करते हैं। और एक और जो जैसे कि जो एयर पिस्टल होता है उसमें सिलेंडर्स होते हैं, तो आपको उनको खाली करना होता है बिल्कुल ना, प्रेशर ज़ीरो करना होता है, वो अगर उसमें एयर होगी तो आपको अलाउ नहीं करेंगे ले जाना, तो उसको भी आप याद से आपको खाली कर दें सिलेंडर्स को, गैस उसकी सारी निकाल दें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके क्या प्रोसीजर है वेपन ले जाने का। पहुँचते हैं हम एयरपोर्ट वहाँ पे। आ गया जी एयरपोर्ट Terminal 3। फिर मैं पहुंच गया चेक इन काउंटर्स पे चेक इन करने, और इनको बताया कि मेरे पास वेपन है, तो आपको सब ये बता देंगे कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी। बोर्डिंग पास लेने के बाद इनका एक टीम मेंबर मुझे साथ में लेके गया। इस काउंटर पे जाना है, यहाँ पे आपको एक ऐसा ये फॉर्म देंगे, ये हर एयरलाइंस का अलग होता है, इसमें आपने सारी वेपन डिटेल्स अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं।
अभी हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक करवाने वेपन्स का, वो लास्ट में एक काउंटर होगा, वहाँ पे एक्सरे होगा, तो ये सर मुझे लेके जा रहे हैं अपने साथ। आ गई वो जगह जहाँ पे स्क्रीनिंग होगी वेपन्स की, यहाँ पे वेपन्स का एक्सरे करेंगे और सीरियल नंबर चेक करेंगे कि आपके आर्म्स लाइसेंस से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो सिलेंडर्स होंगे वो देखेंगे कि एम्प्टी है, एयर तो नहीं है। सिक्योरिटी चेक इन हो गया जी मेरा, सब कुछ लगेज भी चेक इन कर दिया, वेपन भी चेक हो गई, तो अभी गेट नंबर है मेरा 34B, 34B पे जा रहा हूँ बोर्डिंग करने। पहुंच गए हम भोपाल एयरपोर्ट, टाइम से ही पहुंच गई हमारी फ़्लाइट, कोई ज़्यादा लेट नहीं हुई। तो अभी हम यहाँ से, हमें वहाँ पे जब हमने वेपन्स उनको दिए थे फ्लाइट में रखने के लिए, तो उन्होंने एक रिसीट दी थी सब कुछ सिक्योरिटी चेक करने के बाद, तो रिसीट आपको मिलती है। तो अभी वो यहाँ पे एक इनका आएगा बंदा, और वो वेपन हमारा पेलिकन लेके आएगा केस, तो उसको हम ये रिसीट दे देंगे और उस पर वो रिसीविंग के साइन ले जाएगा, फिर और हम उनसे पेलिकन अपना ले लेंगे, फिर चलेंगे अपना रेंज। ये देखो आदर्श, आपको एक और शूटर से मिलवाता हूँ, ये इंडिगो में है, बस 5-10 मिनट का फर्क है हमारा टाइम में। कैसे हो आदर्श जी, पहुँच गए? बस बढ़िया थी, आप बताइए कैसी थी आपकी? कब आएगा हमारा वेपन? भाई मैं तो अभी अभी आया हूँ, जस्ट आप बताओ। बैग ले लिया आपने? चलो बैगेज ले लेंगे हम। आ गए मेरा वेपन केस लेके, पहुंच गए हैं भोपाल में। बारिश हो रही है यहाँ पे अच्छी वाली, ठंडा हो रखा है मौसम। भोपाल द सिटी ऑफ लेक्स, झील की, झीलों की नगरी है ना, झीलों की नगरी, और काफ़ी अच्छी अच्छी लेक्स हैं यहाँ पे। अगर हमें टाइम लगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, घुमाएंगे थोड़ा, जिस दिन फ्री होंगे, मैच नहीं होगा हमारा। और हमारे कैब वाले भैया भी काफ़ी अच्छे हैं, स्पर्श नाम है इनका, ये हमें घुमाएंगे फिर यहाँ पे। हमने, मैंने इनको बोला है, तो मैं चलता हूँ अपने रूम में, थोड़ा रेस्ट करेंगे जाके, बारिश का मौसम है, ठंडा ठंडा खाए पिएंगे, भूख भी लगी हुई है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।